नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, पंचायत सहायकों ने अपने नियमितीकरण मानदेय बढ़ोतरी को लेकर त्रिस्तरीय जो आंदोलन है उसका जो शेड्यूल है वो यहाँ पर घोषित कर दिया। मैं बता दूं, ये जानकारी जो है प्रदेश संयोजक रामजीत जी पटेल ने यहाँ पर दी है। क्या कुछ है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि नमस्कार साथियों, हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार। प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार यह निश्चित किया गया कि बहुत हो चुका आश्वासन का खेल, अब परिणाम चाहिए। इसी क्रम में कार्यकारिणी द्वारा त्रिस्तरीय कार्यक्रम निश्चित किया गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। 22 अक्टूबर जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष मैं कार्यकारिणी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर और श्रीमान सीओ साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही सभी समाचार पत्रों में इसकी न्यूज भी लगवाएंगे। इसके अलावा 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शहीद स्मारक जयपुर की दरार पर रहेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में साथी अपना योगदान दें। आपके जोश और एकता की अग्नि परीक्षा है। सर्दी के मौसम को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। धरना अनिश्चितकालीन रहेगा, इसकी सफलता आपके योगदान पर निर्भर करती है। साथ ही 27 अक्टूबर को धरना स्थल से ही 11 सदस्यीय दल दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय जाएगा, जिसमें राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी का आलाकमान के समक्ष विवरण रखेगा। साथ ही वादा खिलाफी के परिणाम से भी आलाकमान को अवगत करवाएगा। साथ सभी साथियों से इन्होंने करबद्ध निवेदन किया कि लड़ाई में अपना अधिकतम योगदान दें, इस संघर्ष को अपना व्यक्तिगत संघर्ष माने। ये ना भूले कि लोकतंत्र में संघर्ष में विजय में सिर गिने जाते हैं, ना कि घर बैठे बैठे लंबे लेख लिखने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक बनकर। तो दोस्तों, ये जो संदेश है प्रवीण जी जसरापुर प्रदेशाध्यक्ष और रामजीत जी पटेल प्रदेश संयोजक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने यहाँ पर दिया है। त्रिस्तरीय कार्यक्रम जो है पंचायत सहायक संघ ने यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, जिसमें आंदोलन की जो रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार की गई है। 22 अक्टूबर को जिला स्तर पर जिला कार्यकारिणी के द्वारा जिला कलेक्टर और श्रीमान सीओ साहब को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 25 अक्टूबर को धरना स्थल अनिश्चितकालीन शहीद स्मारक जयपुर पे रहेगा और 27 अक्टूबर को 11 सदस्यीय दल जो है दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय जाएगा और सरकार की जो वादा खिलाफी है उसके बारे में अवगत करवाएगा और उसके जब क्या परिणाम रहेंगे इसके बारे में भी यहाँ पर अवगत करवाएगा। तो दोस्तों, पंचायत सहायक संघ अपनी आंदोलन मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन की जो त्रिस्तरीय रूपरेखा है वो यहाँ पर निर्धारित कर दी है और ये जानकारी जो है प्रदेश संयोजक रामजी जी पटेल ने दी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूले। आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को